इसे पूछो ना किसी और वाले स्टोर से मिल जाएगा। इसका जूता नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है इंशाल्लाह। चलो ये छोड़ता है मुझे। जी मिल गया यहाँ पे। ये रहता मिल गया और कुछ ही और यहाँ पे। शिट। जूता लेके भागते हुए। तो तुमने फ्री का खर्चा करवा दिया मेरा। कितना ज़्यादा है? लिया कुछ भी नहीं है इसने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान और ये समन। आज फिर तैयारी करी जा रही है। उस दिन शॉपिंग रह गई थी तो उस दिन भी हमने कहा था कि मिल लो इसे। अब किधर जा रही है? शॉपिंग करने। उस दिन नहीं की शॉपिंग? नहीं, वो पार्ट वन था, आज पार्ट टू है। चीज़ें नहीं थी मिली मुझे जो। आज मेरा शूज़ जो है वो लूँगी मैं, एक और ड्रेस लूँगी और बाकी कुछ घर की चीज़ें हैं वो लेनी है। थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं, सेल्फीज वगैरह लेनी है। ये औरतें नहीं कभी खुश हो सकती। कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन मंगवाई थी वो आ गई हैं, तो कुछ चूड़ियाँ वगैरह, रिंग्स जो रहती हैं लड़कियों की, इतनी सारी चीज़ें होती हैं लेने वाली, वो आज हम लेंगे। तो वो लेने के लिए हम जा रहे हैं। मेरी शॉपिंग तो हो गई है। इनकी तो ऑनलाइन आई थी चीज़ें सारी, और बाकी जो है वो हम आपको दिखाएंगे इस वाली वीडियो में। इसे पूछो ना किसी और वाले स्टोर से मिल जाएगा। मैं दूसरा वाला ले रही हूँ, उसमें भी पता नहीं साइज मिलेगा या नहीं, और बहुत ज़्यादा बैड लक हो रही है मेरे साथ बार बार। सारा कसूर अरसलान का, क्योंकि इसने एंड वाले दिनों में मुझे शॉपिंग के लिए शॉपिंग करवाई। मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी कि शॉपिंग करने चलते हैं, लेकिन ये निकल लेके जाए। गौर से देखें, यहाँ पे कहीं छुपी है। ये निकला है, ये निकला है। मैंगो नहीं मिला। यस, तीन शूज़ शॉप फिर ली है। अब एक गलाइब आया है, यहाँ पे भी लगता है कि नहीं मिलेगा। यहाँ से भी आओ, जूता नहीं मिला। क्या मिला कि कोई बात नहीं, पैसे बच गए मेरे। हील्स पे जा रही है, यहाँ भी इसका जूता नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है इंशाल्लाह। चलो, कौन सा जूता पसंद है? कौन सा यहाँ पे, कौन सा? ये वाला चमकीले वाला है, इसका भी साइज नहीं मिला तुम्हारा। यहाँ से खाली आती वापस जाना है यार। वो ग्लिटर वाला है, वो तो ग्लिटर वाला तो आपको पसंद ही नहीं होता। मेरी पसंद को क्या करना तुमने? यार ये छोटा है मुझे। देखा लिया है, छोटा निकला। ये सिल्वर अच्छा मुझे लग रहा है वैसे। ये ऊपर है। अच्छी कर क्या हो गया? खाने के लिए जूती मिल गई। यहाँ पे मिल गया। शिट, मिल गया फाइनली। ये वाला जूता मिल गया है और अब हम जा रहे हैं। बाकी चीजें जो रह गई जो कभी नहीं पूरी होनी। मन कितने पैसे लगा दिए हैं पता नहीं, काउंट नहीं किया अभी मैंने। तो फाइनली मेरा जो ड्रेस था वो भी मिल गया और मेरे शूज जो थे वो भी मिल गए, और बहुत मुझे खुशी हो रही है। बहुत 4 से 5 घंटे की खुवारी के बाद जो है वो सारी चीज़ें मिल गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। और अफ्तारी हमने कर ली है, यहाँ पे चाय पी जा रही है। ये जो मेरा ड्रेस था तो ये दो थे, लेकिन मिला मुझे सिर्फ एक ही है। दूसरा ऑनलाइन आ रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन का तो टाइम नहीं है। तो ये मैंने खुद स्टिच की है। और क्या बात है, खुद ही सी लिया तुमने।
एक दिन में मैंने स्टिच किया रात को। चलो कोई तो फायदा है, टेलर के पैसे से बचे। हाँ टेलरों के बहुत ज़्यादा नखरे हैं, तो खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टिचिंग आती है, तो ये मैंने सिंपल सा ही सिलाई किया। और आज जितनी गर्मी थी तो उसको देख के तो मैं सोच रही हूँ कि जो घर में किसे हुए कपड़े हैं ना वही ईद पे पहन लिए जाएँ। और ये इसके मैंने सिर्फ बाजू जो हैं वो थोड़े डिज़ाइन इन पे बनाया, बाकी इसका जो दामन है उसके ऊपर सिर्फ ये इसकी पाइपिंग करवाई है, और गला भी जो है वो सिंपल ही बनाया है। और ये बाजू हैं, और ये जो है ये अरसलान ने कहा था कि ट्राउज़र जो है खुला रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा खुला रखा है। उसके ऊपर भी ये शर्ट का ही ये पीस लगाया है, और ये भी इसमें क्या बात है शिंगल वाली लैस लगाई है, और तो अच्छा आ गया वाओ। और ये इसका जो है दुपट्टा है, दुपट्टे के पल्लू जो हैं उन पे मैंने पाइपिंग नहीं करवाई, उनके ऊपर मैंने लगाने की एक लैस लगी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रह गया था, तुमने ये नहीं कटवाया क्या? ये कॉर्नर में हैं, ये कॉर्नर में जो एक्स्ट्रा है ये नहीं कटवाया तुमने? नहीं ये तो ऐसे फोल्ड होंगे ना नीचे को। अच्छा अभी कुछ करना है इसका? हाँ तो ये पल्लू में मैंने कुछ करना था अभी, लेकिन मुझे ये कलर नहीं मिला, और अब मैं सोचती हूँ कि इसके ऊपर क्या करना है। और जो दूसरा सूट है ये जूता मेरा, इसके लिए बहुत खवारी हुई है मेरी ये तो मुझे पता है। हाँ, पसीने छोड़ गए सबके इस जूते के लिए बहुत खवारी हुई है। तो ये जूता है, तो बताइएगा कैसा लगा आपको, अगर पसंद आएगा तो मेरी खवारी जो है वो सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की बहुत खवारी हुई है। और दूसरा जो है ये कोट शूज़ लेके दिए हैं, ये अरसलान को कोट शूज़ बहुत पसंद है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है, तो ये हमने लिए हैं कोट शूज़। और ये गए ये, और ये ली है हमने बेड शीट, ये इसके में हक में नहीं था। नहीं ये पहले मुझे ये पसंद नहीं थी आ रही, लेकिन बाद में मुझे ये पसंद आ गई थी, सिंपल सी है तो अच्छी लग रही थी मुझे, तो ये हमने बेड शीट ली है। ये तो ब्लैक कलर लग रहा है बीच में जो इसका। नहीं नहीं ये ब्लू है, डार्क ब्लू है जो होता है ना वो है। तो चलो कोई बात नहीं। और क्या है, और ये एक जो है वो फैंसी सूट है, ये वाले मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। ये चाय तुम्हारी ठंडी हो रही है? चाय, ये चाय भी पीते हैं। हाँ चाय ठंडी हो रही है। तो ये हमारे ये इसका दुपट्टा है, और ये भी सूट जो है इसके अभी कलर मुश्किल से, हमेशा मैं कोई ऐसा सूट ले लेती हूँ जो जिसका जो कलर है वो बहुत मुश्किल से मैच होता है। तो ये तो बहुत महंगा सूट लग रहा है। फ्रॉक पहना हुआ है, ये मैंने लिया है शादी के लिए, शादी में पहनना, क्योंकि ईद के बाद शादी है फैमिली में, तो इसके साथ ट्राउज़र बहुत मुश्किल से मैच हुआ था, वो मैंने अभी स्टिच करना है। और ये अरसलान की वेस्ट कोट है, ये हमने ऐसा कलर लिया है कि दोनों इसकी जो शलवार कमीज है उस पर चल जाएगा। और बाकी इसके साथ चूड़ियां हैं वो तो मेरे पास पड़ी हैं इस कलर में, एयररिंग्स तो मैंने आपको पहले ही दिखा। ये वेस्ट कोट के साथ चूड़ियां? नहीं नहीं मेरे सूट के साथ जो है ना। अच्छा ये पिंक कलर की चूड़ियां मेरे पास पड़ी हैं। चूड़ियां पहनानी मुझे? नहीं नहीं तो वो मैं पहन लूँगी। तो ये हमारा ज्वेलरी का जो पार्सल था वो भी आ गया, तो इसको खोलते हैं और देखते हैं कि कैसी ज्वेलरी आई है। और रिवाइज वाले ने कहा था डब्बे में भेजना, उन्होंने डब्बे में भेजा। और ये हमने मंगवाए हैं दो कड़े, वाओ। और ये है ब्रेसलेट है, ये इयररिंग्स हैं झुमके, और ये जो है ये हैं दो कड़े। तो खोल के देखो जरा कोई डैमेज ना हो पीस। कहाँ से खोलना है ये? तो ये कड़े जो हैं ये अरसलान को बहुत पसंद थे, तो इन्होंने जो है वो मंगवाए हैं मेरे लिए। तो आप बताइएगा ये कैसे लग रहे हैं। और ये है ब्रेसलेट, वैसे ये पिक्चर में ब्रेसलेट जो है वो इतना छोटा नहीं था लग रहा, लेकिन ये थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं ये था। और ये क्या हो गया है, ये 2-in-1 था। तो अभी ने कहा था दो हैं। हाँ मुझे लगा था दो हैं, लेकिन ये इसमें से सिर्फ एक निकला है, तो ये हमारे साथ हो गया है धोखा।
तो आई थिंक कि उन्होंने पिक्चर ऐसी लगाई हुई थी कि ये लग रहा था जैसे दो हैं। नहीं, ये दोनों साइडों से पहना नहीं जा सकता, ये देखो नहीं। इसको ऐसे करके एक पिक्चर ऐसे थी और दूसरी जो है ना वो ऐसे थी इसकी पिक्चर। तो मुझे लगा था कि ये दो हैं लेकिन ये एक निकला है। तो कोई बात नहीं, ब्रेसलेट हम और मंगवा लेंगे। और ये एक पिक्चर इन्होंने ऐसे तक लगाई हुई थी और एक ऐसे लगाई हुई थी, तो इस वजह से मुझे लगा था कि शायद दो हैं। और ये हैं, ये भी ऐसे पिक्चर में थोड़े बड़े लग रहे थे और रियल में तो ये बहुत छोटे लग रहे हैं। और ये कुछ तो फिर भी नहीं आना इसने। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, अल्लाह मेरी किस्मत में करे। और ये है एयर रिंग्स, ये हैं। तो ये हमारी ज्वेलरी आ गई है। अब हम जो चीज़ें रह गई हैं वो जाएंगे लेने बाज़ार। ये जो है अरसलान के हैं ड्रेसेस, दो सलवार कमीज हैं, सलवार तो ये भी हमने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ये है थोड़े येलो कलर में है और ये दूसरा वाला वाइट कलर में है। और इसके साथ है पजामा, यहाँ से ये फटा हुआ है, जैसे निकाल लेती हूँ। तो ये इसका पजामा है और ये पजामा अभी बहुत लंबा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। यार फिलहाल लंबा हो जाए। नहीं, वो उनकी साइजेज ऐसी हैं कि ट्राउजर जो हैं उनके वो थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की टांगें कुछ ज़्यादा लंबी होती हैं, तो उनके लिए उन्होंने बनाए होंगे। और ये वाले हैं अटलान की सैंडल, ये बड़े भाई ने गिफ्ट की थी बर्थडे पे, तो फिर हमने न्यू नहीं ली, तो ईद पे यही चलाएंगे। तो ये रही अरसलान की सैंडल। और तो लड़कों की कोई शॉपिंग नहीं होती, सिर्फ जूता और सूट ही होता है ईद पे न्यू। हाँ जी, ये जूता तो पहले भी मैंने दिखाया है और ये ड्रेसेस भी मैंने दिखाए हैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग ईद शॉपिंग का। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर बताइएगा आपने कितने ड्रेसेस लिए ईद पे। वैसे मैंने रमज़ान में भी जो है अरसलान ने मुझे 3 से 4 ड्रेसेस लेके दिए थे, लेकिन वो मैंने रमज़ान में पहन लिए जुमे को 27वीं को। तो वो भी मेरे जो ड्रेसेस हैं वो न्यू ही हैं। तो बाकी सिंपल ही है। इतनी गर्मी है वैसे भी, तो जो फैंसी हैं या रेशमी हैं वो तो पहने नहीं जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने लोन के सिंपल से सूट लिए हैं। तो बस अब भी लोग को यहाँ पे करती हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।